Myself Sunil Bharadwaj, I am the faculty of physics. Today I will discuss with you wave motion. Wave motion का ही हमारे पास में पार्ट था. Wave motion के अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक आपसे डिस्कस किए थे. लास्ट में जब मैंने आपसे आपको कराया था तो मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराए थे, तो मैं आज भी अपने जो लेक्चर है उसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको स्टार्ट करता हूँ. उसके बाद में मेरा जो कंसेप्ट रहेगा मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और वीट के बारे में, ठीक है. इक्वेशन ऑफ वीट क्या होती है, सारे कंसेप्ट आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये कहता है डिस्प्लेसमेंट वाई, कोई हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वाई है ऑफ अ पार्टिकल इन अ मीडियम कैन बी एक्सप्रेस एज वाई इक्वल टू 10^-6 साइन 100t + 20x + π/4 वे टी इन सेकेंड एंड एक्स इन मीटर. वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव या वॉट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव. सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. प्रीवियस अगर आपने हमारे लेक्चर को अटेंड किया तो इस क्वेश्चन को करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल है. चलिए मैं इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करते हैं. जब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको गिवन है y इक्वल टू 10^6 शाइन 100t + 20x + π/4. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन. ये हमारे पास में क्या चीज़ है, ये हमारे पास में क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है. ये नहीं, ये गिवन है हमारे पास में. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a हमारे पास में साइन ओमेगा टी के एक्स प्लस क्या रहता है हमारे पास में, फाई. क्या रहता है हमारे पास में, फाई. तो ये हमारे पास में क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है. तो आपको पता है कंपेरिंग कर, जब इसका कंपेरिजन करोगे तो आप किस तरीके से करोगे इसका कंपेरिजन. आपको पता है ओमेगा को आपने इससे कर दिया और के को आपने किससे कर दिया, ये, और ये हमारे पास में क्या होता है, फाई. तो ये हमारे पास में इस तरीके का क्या है, एक कंपेरिजन करते हैं. तो आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास में, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 100, ठीक है, और के इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, 20 आ गया. क्या आ गया, के इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, 20 आ गया. तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक तरीके से इसका कंपेरिजन आ गया. और अगर आप कहना चाहो तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, π/4 आ गया. तो मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ स्पीड ऑफ वेव, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ वेव. वेव इज गिवन बाय तो हमारे पास में जो स्पीड ऑफ वेव होती है वी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में के होती है. ये भी मैं बताऊँगा कि क्या रिलेशन है और किस तरीके से ये हमारे पास में आती है. तो v इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया, ये एक रिलेशन हो गया. तो v हमारे पास में क्या चीज़ है, v इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा कितना आया है 100 था और k कितना था 20 था, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया 5 r. तो v इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड. दिस इज़ द करेक्ट आंसर इज मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है सिंपल. अब मैं ये कह रहा था ओमेगा, आपको पता है ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है, ओमेगा की वैल्यू रहती है 2π ν. ओके, ये हमारे पास में रहती है. और के की वैल्यू क्या रहती है, 2π/λ. क्या रहती है, 2π/λ. अगर आप क्या निकालना चाहते हो, आपको पता है v इक्वल टू हमारे पास में क्या है, ओमेगा अपॉन में k. यस, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2π ν. ओके, और k की वैल्यू क्या है, 2π/λ. तो लेमडा अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास में ऊपर चले जाए, 2π से 2π कैंसिल. तो v इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, ν λ. ये रिलेशन आपने देखा था, ठीक है. वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा का मैं पहले भी आपको क्या करा सका हूँ, रिलेशन करा
चुका हूँ। तो इस तरीके से ये रिलेशन होता है, यहीं से आप इस रिलेशन को भी याद रखना। क्या याद रखना, ये रिलेशन रहेगा कि अगर किसी भी वेव की अगर वेलोसिटी या स्पीड काउंट करनी हो तो ओमेगा अपॉन में के है। ओमेगा क्या चीज़ है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और क्या के क्या चीज़ है, हमारे पास में वेव नंबर है। क्या चीज़ है हमारे पास में, वेव नंबर है। तो ये सारी चीज़ आपने इस तरीके से देख लिए हैं, दिस इज़ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये आपका इस तरीके से क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। किसकी मैं बात करता हूँ बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है ये देखते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि अभी तो हम एक वेव की बात कर रहे हैं। जब मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करता हूँ तो बहुत सारी वेव्स की मैं बात करूँगा। किसकी मैं बात करूँगा, बहुत सारी वेव्स की मैं बात करूँगा। जो हमारा टॉपिक है वो क्या चीज़ है, प्रिंसिपल ऑफ इस तरीके से आएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ये हमारे पास में आज का कंसेप्ट है कि सबसे पहले मैं आपसे यही डिस्कस करना चाहूँगा, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसके बारे में आप देखिएगा, तो देखिए इसकी डेफिनेशन हम करते हैं। हमारे पास में जो कंसेप्ट है उसकी मैं बात करता हूँ, जो कंसेप्ट है वो क्या रहेगा हमारे पास में, वो कंसेप्ट रहेगा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, हमारे पास में प्रिंसिपल की मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, ये कहता है द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम ड्यू टू एनी नंबर ऑफ वेव्स मीटिंग साइमल्टेनियसली ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम ड्यू टू एनी नंबर ऑफ वेव्स मीटिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट इन अ मीडियम इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वेव्स एट अ पॉइंट एट एनी टाइम ठीक है। ये हमारे पास में इसकी स्टेटमेंट हो गई कि द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम ड्यू टू एनी नंबर ऑफ वेव्स मीटिंग साइमल्टेनियसली किस पर, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर आकर बहुत सारी वेव्स क्या करेंगी, मिलेंगी, और क्या रहेंगी, वो वेक्टर सम रहेंगी। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूँ इसको, लेट वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड अप टू yn are the displacements of 1, 2, 3 and up to कहाँ तक जाएगा, up to nth waves ठीक है, at any position of the individual waves. So principle of superposition
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पोजिशन, तो हमारे पास में क्या रहेगा, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री एंड अप टू कहाँ तक जाएगा बेटा, वाई एन। इस तरीके से आप क्या कर दोगे, हर एक इंडिविजुअल वेव का क्या कर दोगे, वेक्टर सम कर दोगे, क्या कर दोगे, हर एक इंडिविजुअल वेव का क्या कर दोगे, वेक्टर सम कर दोगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर वेव्स का क्या कर दिया, अगर मैं कहता हूँ y1 की कुछ वैल्यू है, y2 की कुछ और वैल्यू है, तो उन सभी को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। तो इस तरीके के एडिशन को ही क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अगर मैं बात करता हूँ बेटा रेडियो वेव्स की, क्या है करता हूँ मैं बेटा, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, तो एग्जाम्पल हम रखते हैं, एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, द रेडियो वेव्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, क्या कहता हूँ मैं, द रेडियो वेव्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एट डिफरेंट स्टेशन एट, या ये कह दीजिए द रेडियो वेव्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस, मतलब रेडियो वेव्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी डिफरेंट रेडियो स्टेशन से, ठीक है, डिफरेंट स्टेशन से। तो इसका मतलब क्या कहता हूँ, बट आवर रेडियो और टीवी सेट, हमारे पास में जो रेडियो और टीवी सेट कैन पिक अप ठीक है, एनी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज। इसने बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया है कि द रेडियो वेव्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस, बट आवर रेडियो एंड टीवी सेट्स कैन पिक अप एनी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो क्या है, अपनी जो कंफर्टेबल के अनुसार वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेते हैं, पिकअप उठा लेते हैं, तो आपको वॉइस क्या होती है, क्लियरली आपको सुनाई देती है। आपने देखा होगा जो हम रेडियो चलाते थे तो उसको हम कहते थे कि हमारे पास में जो चैनल है रेडियो है 92 है, FM 91 है, जो भी चीज़ आपने देखी होंगी उनकी अपनी अलग क्लक या फ्रिक्वेंसी होती है। अगर थोड़ा भी हम उधर करते हैं तो उसमें क्या आती है, झिझिरहाट की सी आवाज़ आती है, क्योंकि वहाँ पर उनकी सूटेबल फ्रिक्वेंसी नहीं पहुँच पाती। जैसे ही उस फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाती है तो वहाँ पर हमारे पास में जो वॉइस होती है वो क्या आती है, क्लियरली हमें सुनाई दे जाती है। तो यही इसका एग्जाम्पल है कि बहुत सारी चीज़ें एक ही स्टेशन से बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसी निकलती हैं, जब रेडियो वेव्स तक वो पहुंचती है तो वो जिस तरीके से उनको कैच करता है या पिकअप करता है तो अपनी एनी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी को पिकअप कर लेता है। तो ये सारी चीज़ आपने इस तरीके से देखी। अब मेरा जो अगला टॉपिक है वो है बीट, क्या है हमारे पास में बीट। तो बीट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसका बीट इक्वेशन हम निकालते हैं और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, सिंपलेस्ट है कि किस किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से, क्योंकि जो वेव्स होती है वो सेम फेज में होती है लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हमारे पास में नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्या है, बीट। क्या चीज है हमारे पास में, बीट, ठीक है, बीट। अगर मैं बीट की मैं बात करता हूँ, किसकी मैं बात करता हूँ, बीट।
तो बीट की हम डेफिनेशन की अगर मैं बात करते हैं तो मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि बीट इज़ आ पेरियोडिक वेरिएशन ऑफ साउंड। क्या चीज़ है बीट? क्या चीज़ है? पेरियोडिक वेरिएशन है किसका? साउंड का। एंड एम्पलीट्यूड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स। अगर मैं बात करता हूँ दो वेव्स के कॉम्बिनेशन की, हैविंग सिमिलर, जो वेव्स हैं वो क्या है? सिमिलर है, सेम फेज में है बट नॉट आइडेंटिकल फ्रिक्वेंसी, इज कॉल्ड बीट। लेकिन उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है? सेम नहीं है। तो यही हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। क्या कहता हूँ? अ बीट, किसकी मैं बात करता हूँ? अ बीट इज अ पेरियोडिक वेरिएशन वेरिएशन ऑफ साउंड साउंड और एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ओके ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसीज। ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है वो? बड़ा ही अच्छे शब्दों में कह रहा है, जो दो वेव हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सिमिलर, लेकिन दो वेव्स का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? एक समान है, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या चीज़ है? आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है। हर एक वेव की क्या है? सेम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन क्या चीज़ है हमारे पास में? सेम फेज में है। और हमारे पास में क्या चीज़ है? ये कह दिया जाता है कि एम्पलीट्यूड भी क्या चीज़ है? सेम है। अगर मैं इस तरीके की मैं बात करता हूँ, लेकिन क्या चीज़ है हमारे पास में? उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या नहीं है? सेम नहीं है। तो इस तरीके के अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर मैं बात करता हूँ, इस केस में मैं आपके बना के दिखाता हूँ कि हमारे पास में किस तरीके से वेव बनेगी, इसको आपको चेक करना है अच्छी तरीके से। तो आपने देखा, सबसे पहले मैं एक वेव बना रहा हूँ, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ देखा इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना है। यहाँ से ये टेढ़ा हो गया, इसको कर देते हैं अच्छी तरीके से। ये देखा, हाँ, तो ये सारी चीज़ इस तरीके से हमारे पास में क्या आएंगी? ये वेव्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, थोड़ा सा और थोड़ा डिस्टरबेंस है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। तो इस तरीके की ये हमारे पास में, अगर मैं ये कहता हूँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, क्या चीज़ है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारे पास में। अगर वेव्स की मैं बात करूँ, किसकी मैं बात करता हूँ, और ये इस डायरेक्शन में क्या है? बीट पीरियड ठीक है, इस डायरेक्शन में ये हो रहा है बीट पीरियड। तो यहाँ पर मैं आपको एक वेव बनाना चाहता हूँ, थोड़ी सी डॉट डॉट के उसमें मैं आपके सामने बनाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास में, आप ध्यान देना, इस तरीके से आपने देखा, आपने डॉट डॉट लाइन वाली आपने देखा। मैं इसको अच्छी तरीके से आपके सामने दिखा देता हूँ कि किस तरीके से
दिखाई दे रही है ना डॉट डॉट वाली, ये थोड़ा सा डार्क मार्कर यूज करते हैं। चलिए इसको बना ही देते हैं। इस तरीके की ये वेव है, आपने देखा कि यहाँ पर ये क्या हो गया, इनका फेज अलग अलग हो गया। आपने देखा होगा इस तरीके से वेव्स ये है, लेकिन यहाँ पर क्या है रेड एंड ब्लू, यहाँ पर आप देखिएगा ये जो वेव्स है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और इस तरीके से आप कर सकते हो कि आप इसको इस तरीके से ईजिली मिला सकते हो। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ब्लैक एंड रेड वेव्स आर इन फेज, ठीक है, फेज में है। यहाँ पर भी रेड एंड ब्लैक आर इन अगेन फेज आ गया सुन में। तो यहाँ पर ये दोनों क्या चीज़ें, यहाँ भी सेम फेज में है, यहाँ भी क्या चीज़ें सेम फेज में है, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, किसकी मैं बात करता हूँ, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, क्या चीज़ है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर इनके क्या रहेगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रहेगी, वेव सेम में रहेगी, लेकिन क्या कहा गया था, बीट इज अ पेरियडिक वेरिएशन ऑफ साउंड और एम्पलीट्यूड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स। यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन है वेव्स का, एक ब्लैक एंड रेड, हैविंग सिमिलर, लेकिन क्या है, सिमिलर है लेकिन क्या है, नॉट आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी, लेकिन उनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। यहाँ पर इनका फेज क्या हो गया, अलग अलग हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या आ जाती हैं, वो सेम फेज के अंदर आ जाएंगी, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। इस तरीके की जो वेव रहेगी, मूव करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे बीट। आपको देखो इस स्क्रीन के ऊपर आपको एक डिजिटल वेव्स भी दिखाई दे रखी है, जिसके अंदर आपको बिल्कुल एक्चुअल फॉर्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से ये शो करती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपने यहाँ पर देखी। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी के अंदर आपको कराता हूँ कि हमारे पास में वन बीट क्या रहेगी, किसकी मैं बात करता हूँ, वन बीट की, किसकी मैं बात करता हूँ, वन बीट। एक बीट क्या होता है, होता क्या है कि आपने देखा कि एक बीट क्या है, टू बीट क्या है, थ्री बीट क्या है, तो इसलिए मैं बात करता हूँ वन बीट। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वन बीट, तो वन बीट की डेफिनेशन मैं इसको रफ कर देता हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें कि उस पर आ जाए। थोड़ा सा ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होती है हमें, पर कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। तो बीट की मैं बात कर रहा था, वन बीट, ठीक है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वन बीट की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, वन बीट। क्या डेफिनेशन है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्या कहते हैं हम, वन बीट। क्या कहेंगे, वन बीट। ध्यान से देखें, इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज क्या रहेगा, मैक्सिमम एट टी इक्वल टू क्या चीज़ है हमारे पास में, जीरो, दिस इज कॉल्ड क्या कहेंगे, वन बीट। तो नेक्स्ट है हमारे पास में, क्या है हमारे पास में, बीट पीरियड। सेकंड है हमारे पास में बीट पीरियड, बीट पीरियड। आपने वैसे पढ़ा हुआ था कि क्या हमारे पास में,
ये कहता है कि बी टाइम पीरियड के बारे में हमने आपको कई बार दिखाया, हर वेव्स के अंदर अलग अलग फॉर्म में टाइम पीरियड करता है। यहाँ पर कहता है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव बीट, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव सक्सेसिव बीट, ठीक है, द टाइम टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेस बीट्स, और कह सकते हो और टू सक्सेसिव टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ साउंड इज कॉल्ड क्या कहेंगे, बीट पीरियड क्या चीज़ है उसको कहेंगे बीट पीरियड। नेक्स्ट है हमारे पास में बीट फ्रीक्वेंसी, क्या चीज़ है बेटा बीट फ्रीक्वेंसी। आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड सेकेंड इज कॉल्ड क्या कहेंगे उसको बीट फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे बेटा बीट फ्रीक्वेंसी। अब दोनों चीज़ें यहाँ पे इसको F1 से भी डिनोट कर सकते हैं, N1 से भी डिनोट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर चॉइस है कि हम इसे किस तरीके से डिनोट करें। नेक्स्ट है हमारे पास में इक्वेशन ऑफ बीट, क्या चीज़ है हमारे पास में इक्वेशन ऑफ बीट इक्वेशन ऑफ बीट की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ बीट्स, ठीक है, ऐसा लगा देते हैं इसमें एस बीट्स। चलिए इफ टू वेव्स हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड्स एम्पलीट्यूड्स मान लेते हैं हमारे पास में इक्वल एम्पलीट्यूड्स क्या है ए है, बट क्या था डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मान लेते हैं N1 and N2 ट्रेवलिंग In a medium, in the same direction, मैंने जो वेव बनाई थी बिल्कुल सेम है, जिनके एम्पलीट्यूड क्या है सेम है लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या है डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट की डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट वेव तो Y1 की मैं बात करता हूँ, एम्पलीट्यूड क्या हो गया साइन ओमेगा 1t, क्या चीज़ है हमारे पास में बेटा साइन ओमेगा 1t, और आपको पता है ओमेगा 1 बाई हमारे पास में क्या है 2π n1 कह दो, ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या है 2π n1, तो ये हमारे पास में क्या बनेगा y1 इज इक्वल टू a साइन 2π n1t। ऐसे हमने ये मान लिया फर्स्ट, दिस इज़ द फर्स्ट, ऐसे ही आप क्या निकालोगे 2 निकालोगे तो क्या आएगा a साइन ओमेगा 2t। तो आपको पता है ओमेगा 2 हमारे पास में क्या रहेगा 2π n2, बिल्कुल सेम रहेगा उसी की तरह। तो y2 हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो y2 आप देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम इसको रफ़ कर देते हैं क्योंकि एक डेरिवेशन है और डेरिवेशन को अच्छी तरीके से हम करते हैं।
यहाँ तक आप उतार लीजिए, इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक बार लिख दूंगा यहाँ से दोनों इक्वेशन कि हमारे पास में है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट वेव, आपने लिखा बड़ा अच्छी तरीके से, y1 आया a साइन 2 पाई एन वन टी, दिस इज द फर्स्ट कहा, ऐसे ही 2 आ गया साइन 2 पाई एन टू टी, दिस इज द ये, ठीक है। आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप यूज कीजिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होती है बेटा, ये होती है y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, ये किसके लिए हो गई, टू वेव्स के लिए होती, थ्री होके होती है, तीन करते चार करते फाइव करते, ये ओनली क्या है टू वेव्स के लिए है। तो y इज इक्वल टू वाई वन मीन्स a साइन टू पाई एन वन टी, ओके ऐसे ही क्या है a साइन टू पाई एन टू टी, ओके। तो यहाँ पर आपने कह दिया a कांस्टेंट ले लिया और यहाँ फॉर्मूला आ गया साइन टू पाई एन वन टी प्लस साइन टू पाई एन टू टी, दिस इज़ द इक्वेशन, इसको क्या कह दिया थर्ड इक्वेशन कह दिया। अब आपको पता है आपको यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिक्स, तो हमारे पास में क्या रहता है, हमारे पास में कोई फॉर्मूला रहता है कि किस तरीके से हमने किया, हमारे पास में ये कोई एक क्या है, हमारे पास में फॉर्मूला बन जाता है इस तरीके से। तो आप इसके अंदर साइन सी प्लस साइन डी का अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ, साइन सी प्लस ये होता है साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला रहता है टू साइन सी प्लस डी, ठीक है, सी प्लस डी बाई टू इंटू मैं कॉस सी माइनस डी बाई टू। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, दिस इज़ द फॉर्मूला, ये क्या चीज़ है, फॉर्मूला है हमारे पास में साइन सी प्लस साइन डी का। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें पूछिएगा कि कोई डाउट, चेक कीजिए साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू मैं कॉस सी माइनस डी बाई टू, वेयर सी प्लस डी आपको पता है दिस इज द साइन सी और ये है हमारे पास में साइन डी, क्या चीज़ है साइन सी एंड साइन डी। तो इस तरीके से अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछिए। तो हमारे पास में इक्वेशन आती है वाई इज इक्वल टू दिस और वैल्यू आ जाती है टू, हमारे पास में साइन टू साइन सी लिखिए पहले टू पाई एन वन टी, टी भी मैंने साथ लिख दिया, प्लस टू साइन एन टू टी बाई टू अपॉन में एंगल के साथ में टू, ये आ गया साइन सी प्लस साइन डी बाई टू, ओके इन टू में आपको क्या लिखना कॉस कॉस टू पाई एन वन टी माइनस टू पाई एन टू टी बाई टू। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो चेक कीजिएगा, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो चेक कीजिएगा आप, कोई डाउट किसी को भी नहीं है ना, यस। तो यहाँ तक जब आपको कोई डाउट नहीं है, इसमें लेयर बन रही है, एक मिनट चलिए अब नहीं दिखाई दे रही, लेयर सी आ रही थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट चेक कीजिए, ये हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं इसको और करता हूँ, y इक्वल टू a हमारे पास में हो गया टू साइन साइन, इसमें से t कॉमन ले लूँ, देखो टू पाई मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया बेटा, यहाँ बच गया n1 वन प्लस एन टू बाई टू, ठीक है भाई टू पाई बाहर कॉमन ले लिया दोनों में से, n1 वन प्लस एन टू टी आ गया इन टू में ऐसे ही कॉस कर दिया टू पाई एन वन माइनस एन टू टी आ गया बाई टू, ये इक्वेशन बन गया, चेक कीजिएगा, ठीक है क्या हो गई है ये, इस तरीके से क्या हो गई है इक्वेशन हमारे पास में बन गई है। तो ये इक्वेशन हमारे पास में इस तरीके से आपने देखा
तो क्या आ जाता है रिजल्ट, यहाँ पे चेक करते हैं इसको। ये केस हमारे पास में यहाँ तो बड़ा सिंपल बन गया। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं ये कह देता हूँ यहाँ पर मेरे पास में ये है, ये दिस एन वन प्लस एन टू बाई टू, दिस इज द एवरेज, क्या बोलते हैं इसको, वेयर 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 एन वन प्लस एन टू बाई टू विच इज इक्वल टू, इसको क्या कह देते हैं, ये है हमारे पास में न्यू एवरेज, ठीक है, और एन वन माइनस एन टू बाई टू इसको क्या कह देते हैं, न्यू मोड, क्या कह देते हैं, न्यू मोड, क्या कह देते हैं, न्यू मोड। और ये हमारे पास में वेयर वेयर, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि टू कॉस टू पाई एन वन माइनस एन टू बाई टू विच इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, क्या चीज़ है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स, क्या चीज़ है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स। तो y इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, a तो हमारे पास में ऑलरेडी था, ठीक है, स्मॉल a मान लेते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि कैपिटल a तो हमने ले रखा है, कैपिटल a, और इसके साथ में a और मिला दो, कैपिटल a, ठीक है, ये कैपिटल a टू cos दिस इज द स्मॉल a, ठीक है, तो ये आ जाएगा स्मॉल a हमारे पास में साइन टू पाई एन वन प्लस एन टू टी बाई दिस इज द एक जनरल इक्वेशन हमारे पास में यहाँ तक आ गई है कि जब इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके की इक्वेशन को तो हमारे पास में न्यू इक्वेशन आ जाती है वाई इक्वल टू ए साइन टू पाई एन वन प्लस एन टू टी। तो दिस इज द ये आपको यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, तो चेक कीजिए यहाँ तक किसी को। अब ये मैं देखिए, मैं ये कहता हूँ कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव विल बी मैक्सिमम, तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स will be maximum। तो maximum की अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमारे पास में maximum की केस जब मैं बात करता हूँ तो amplitude क्या चीज़ है हमारे पास में, ये है तो ये इसमें तो टू तो कॉन्स्टेंट है, तो मैं ये कह दूँगा कि जो हमारे पास में ये एक इक्वेशन हमारे पास में सारी आ जाती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ cos, केवल कॉस वाली मैं टर्म लेना चाहता हूँ, कॉस टू पाई एन वन माइनस एन टू बाई टू टी विच इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ओके, और मैं ये कहना चाहता हूँ इसको ऐसे कह दिया कॉस टू पाई, इसको क्या लिखा था आपने इस वाली इक्वेशन को, मैंने लिखा था हमारे पास में वी मोड लिखा था, क्या लिखा था, वी मोड, ठीक है, मोड का केस था, लेकिन हम इसको नहीं कहना चाहते, कोई बात नहीं, एन वन माइनस एन टू बाई टू टी विच इज इक्वल टू कॉस एन पाई की वैल्यू है, ये कॉस से कॉस यहाँ बच गया टू पाई एन वन माइनस एन टू बाई टू टी इज इक्वल टू एन पाई, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो एन वन माइनस एन टू क्या रहेगा, t इज इक्वल टू एन, तो t इज इक्वल टू एन अपॉन में एन वन माइनस एन टू, ये केस है हमारे पास में, इफ वेयर वेयर n बराबर जीरो वन टू थ्री एंड अप टू दिस, तो t जीरो की मैं बात करता हूँ, टी ज़ीरो इज ज़ीरो, टी वन हमारे पास में क्या, वन अपॉन में एन वन माइनस एन टू, ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू रखते हैं ऐसे ही, टू रखेंगे टी टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा,
टू ओवर में एन वन माइनस एन टू, ऐसे टी थ्री रखेंगे तो थ्री आ जाएगा एन वन माइनस एन थ्री। तो ये एन वन माइनस एन थ्री की वैल्यू हमारे पास में ये आती जाएगी। मैं ये कहता हूँ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेस मैक्सिमा, तो हमारे पास में जो सक्सेस मैक्सिमा आ जाएगा t इज इक्वल टू वन अपॉन में एन वन माइनस एन टू रहेगा, और इसको t बीट भी कहते हैं, बीट t बीट, और ये हमारे पास में एन वन माइनस एन टू रहेगा, क्या रहेगा एन वन माइनस एन टू। तो जो हमारे पास में बीट फ्रिक्वेंसी है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, बीट फ्रिक्वेंसी है, बीट फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी एन वन माइनस एन टू, ये याद रखना, बीट फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी एन वन माइनस एन टू इज कॉल्ड बीट फ्रिक्वेंसी, क्या कहेंगे इसको इज कॉल्ड बीट फ्रिक्वेंसी। बीट फ्रिक्वेंसी क्या है एन वन माइनस एन टू इज द बीट फ्रिक्वेंसी। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बीट फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया कि किस तरीके से हम बीट फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करते हैं, तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, वो सारी चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा ध्यानपूर्वक कि क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, ये कहता है द टू ट्यूनिंग फोर्क्स, दो हमारे पास में ट्यूनिंग फोर्क्स है, फ्रीक्वेंसी 380 एंड 384 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली, उनकी जो फ्रीक्वेंसी एक की 380 है और एक की 384 है। When they are sounded together, जब वे एक साथ साउंड करते हैं they produce four beats, तो क्या निकालती है four beats निकालती है, number of beats is four, क्या है हमारे पास में number of beats is four, okay। After hearing maximum sound, how long will it take to hear minimum sound, तो आपको क्या निकालना है minimum sound निकालना है, क्या निकालना है minimum sound आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर मैं बीट पीरियड की मैं बात करता हूँ, किसकी मैं बात करता हूँ बीट पीरियड की मैं बात करता हूँ, तो सॉल्यूशन में आपको पता है मैंने आपको लिखवाया था कि जो हमारे पास में कंसेप्ट था टी इक्वल टू हमारे पास में क्या आया था एन वन माइनस एन टू आ गया। टी को क्या कहा था बीट पीरियड कहा गया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टी को क्या कहा था बेटा बीट पीरियड कहा था, क्या कहा था बीट पीरियड, ठीक है। और एन वन माइनस एन टू को क्या कहा था हमने, इसको कहा था बीट फ्रीक्वेंसी, क्या कहा था बीट फ्रीक्वेंसी, यहाँ तक क्या ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए एन वन बराबर कितना है हमारे पास में 384 हर्ज हो गया, और एन टू बराबर क्या हो गया हमारे पास में 380 हर्ज हो गया। तो एन वन माइनस एन टू बीट फ्रिक्वेंसी की मैं बात करता हूँ तो 384 माइनस 380 विच इज इक्वल टू 4, क्या आ गया ये बीट्स दे दी इसने बीट्स, जबकि उसने पहले ही कह रखा था फोर बीट्स। तो ये भी चेक कर लिया कि क्या फोर बीट्स ही आती हैं, तो हमें क्या मिल गई हैं फोर बीट्स मिल गई हैं। तो जब फोर बीट्स मिल गई हैं तो t इज इक्वल टू क्या चीज़ है हमारे पास में 1/4 है, ठीक है। और इसको अगर मैं बात करता हूँ तो 0.24 क्या जाएगा 25 क्या जाएगा सेकेंड, तो बीट पीरियड क्या जाएगा 0.25 सेकेंड आ गया हमारे पास। ये तो टोटल पीरियड है, किसका टोटल पीरियड, टोटल पीरियड का मतलब क्या होता है देखिए, देखिए जिस जैसे आपने देखा इस तरीके से आप करते हो तो ये जीरो है दिस इज़ द टी, ये तो यहाँ तक था, ये कहता है मैक्सिमा, आपने मैक्सिमा देखा, मैक्सिमा जाएगा फिर क्या जाएगा मिनिमा जाएगा, तो टी बाई टू। तो आपको हमें या तो मैक्सिमा का केस होना सुनना चाहिए या मिनिमा का केस सुनना होना चाहिए। तो ये क्या है टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमा एंड मिनिमा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, मिनिमम ठीक है मम। तो ये रहेगा हमारे पास में t बाई टू, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा t 0.24 25 अपॉन में 2, इसको कैंसिल आउट कर दिया
तो 0. क्या जाएगा 125, यही आएगा ना 0.125। आप देखिए 250 है 125, ठीक है, इतना क्या आ जाएगा सेकंड। तो इस केस की बात करता है, ठीक है, ये तो पूरी आई, दिस इज द वन बीट। वन बीट का मतलब इस तरीके से वन साइकिल की मैं बात करता हूँ, टाइम पीरियड क्या होता है एक साइकिल का हम देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल करोगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि हमने इसमें भी यूज किया है। उसके बाद में हमने उसके इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, बाद में फिर हमने बीट के बारे में पढ़ा, वन बीट क्या है, टाइम पीरियड क्या है, पीरियड बीट पीरियड क्या है, और बीट फ्रिक्वेंसी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया बीट इक्वेशंस के बारे में, क्या आएगी बीट इक्वेशंस के बारे में। तो बीट इक्वेशन से आपने ये वाली इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर ली, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको नया कंसेप्ट पढ़ाऊंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जिसके बारे में मैं कहता हूँ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक पीरियड, ये सारी चीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।